बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स का अभी भी मानना है कि क्रिप्टो क्रैश अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अभी ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा बिगेस्ट क्रैश कभी भी नहीं आया है। लेकिन इसी के साथ एडवाइस ये भी है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज ऑल्ट कॉइंस को कलेक्ट कर लो, क्योंकि ये क्रैश जैसे ही खत्म होगा उतना ही बड़ा आपको यहाँ पंप देखने को मिलेगा सभी ऑल्ट कॉइंस में। करंटली अगर हम देखते हैं तो यहाँ जितनी भी एक्सचेंजेस हैं या फिर क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको बैन किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन किया जा रहा है चाइना में। लेकिन इसी के साथ जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी वो ये है कि यूके में भी बाइनेंस को बैन करने की कोशिश की जा रही है। और अभी अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $30,000 की सपोर्ट पर चल रहा है और इसका अगर हम मैक्सिमम देखें तो $34,000 के आसपास गया, थोड़ा वो ऊपर गया। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो $35,000 का है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिसकी वजह से प्राइस इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आज के दिन शायद आप भी जानते हुए कि इलन मस्क का बर्थडे है, लेकिन थोड़ी उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हुई है। यानी कि उम्मीद थी कि शायद डॉज को पंप किया जाएगा या फिर बिटकॉइन के बारे में कुछ ट्वीट आ सकता है, जिसकी वजह से एक मार्केट फिर से थोड़ा स्टेबल हो सकती है या फिर एक थोड़ा सा पंप ले सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको पूरी प्राइस प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो केओस की हैं, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये एक बिगेस्ट क्रैश है वर्ल्ड की हिस्ट्री में और अभी बिल्कुल सही टाइम है कि आप जितना ज़्यादा एक्युमुलेट कर सकते हो उतना ज़्यादा कर लो, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, तो इन सभी को आप कलेक्ट कर सकते हो, ऑल काइंड्स को कलेक्ट कर सकते हो। हमारी वॉल्फ्टर कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा टोकन्स कलेक्ट कर लिए ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा बाइंग कर लिए। लेकिन अगर आप भी कोई सही टोकन की बाइंग करना चाहते हो तो आप भी अप टू डेट रह सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के चैनल है और इसी के साथ ग्रुप है जहां आप डिस्कशन भी कर सकते हैं कौन सा टोकन बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उनके अनुसार तो ये है कि अभी जो क्रैश है ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे भी अगर हम देखें $35,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके बाद $40,000 के आसपास है या $42,000 के आसपास है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ बाइंग वॉल्यूम बहुत कम है या सेलिंग प्रेशर और भी ज़्यादा है। यानी कि जितने भी लोग $30,000 के आसपास बाइंग करते हैं या फिर इससे नीचे बाय करते हैं वो वहाँ जाके सेल कर देते हैं, सेलिंग होने की वजह से प्राइस पंप नहीं हो रहा। इसी के साथ बड़े और एडवाइजर्स भी हैं जो इंडिकेट अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि जेवी मॉर्गन स्ट्रेटजिस्ट है, तो उनका मानना अभी भी यही है कि क्रिप्टो मार्केट जो अभी भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और रेगुलर बेसिस पर फंड क्रिएट किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ आती हैं अच्छी भी, जैसे कि एल सल्वाडोर की तरफ से थी और भी ऐसी अच्छी न्यूज़ आती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी कंसर्नड है, आरबीआई अभी भी कंसर्नड है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज की गेंस इसी तरीके से बढ़ती रही तो टैक्सेस इम्प्लाई करने पड़ेंगे या फिर रेगुलेशंस बहुत ही जल्दी चाहिए, क्योंकि इससे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो ऑब्वियसली बढ़ रही हैं, लेकिन इसी के साथ यूके ने भी सेम इसी कंसर्न को लेते हुए बाइनेंस को बैन किया है। लेकिन एक चीज़ देखी जा रही है कि बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चाइना के माइनर्स है वो माइग्रेट होना शुरू हो चुके हैं, वो चाइना को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में जाना शुरू हो चुके हैं। और वैसे भी जो बिटकॉइन का प्रोडक्शन है, बिटकॉइन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यानी कि माइनिंग का प्रोडक्शन, उसका प्राइस भी कम किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके। तो हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में, यानी कि स्टेबल होने में थोड़ी देर लग रही है, क्योंकि अभी भी ये बाउंस हो रहा है बार बार $30,000 और $34,000 के आसपास। तो पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डंप हो रहा था सभी ऑल्टकॉइंस में, लेकिन वीकेंड पे हमें अच्छी एक न्यूज़ मिली। जो रिकार्डो हैं, जो मेक्सिको के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने बिटकॉइन को न्यू गोल्ड के बराबर माना है, जिसकी वजह से मंडे को प्राइस $35,000 टच करके आया। लेकिन कुछ बुरी न्यूज़ की बात करें तो बिटकॉइन का जो एक एक्सचेंज है ZG.com के नाम से, उसको बैन किया जा रहा है, उसके ऑपरेशंस भी बंद किए जा रहे हैं। वैसे ये एक इंडिपेंडेंट क्रिप्टो एक्सचेंज है जो यूएसए में, सिंगापुर, एस्टोनिया इस तरह की कंट्रीज़ में काम कर रहा है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट की जब से पॉलिसी चेंज हुई है तो उसकी वजह से ये अपना बिटकॉइन का बिजनेस या फिर क्रिप्टो का बिजनेस छोड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में इस एक्सचेंज का नाम BTC चाइना है, यानी कि BTCC। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से BTCC अपने क्रिप्टो करेंसीज के बिजनेस को बंद कर रहा है। कुछ ऐसा ही शायद इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी पॉलिसीज़ आ सकती हैं, बहुत सी रेगुलेशंस आ सकती हैं, क्योंकि इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम या तो यूके को फॉलो करता है या फिर चाइना की रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से BTC अभी भी अनस्टेबल चल रहे हैं। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो को किस कॉइन या फिर टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। धन्यवाद।